हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर के चैप्टर फोर वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए, शब्दों के अर्थ मेल को वाक्य कहते हैं। इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। गां है कोयल रही, सुना है नानी कहानी रही। इन वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया, इस कारण ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाक्य सही नहीं है। अब इन निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। गां है कोयल रही, सुना है नानी कहानी रही। ये सेंटेंस यानी वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, और ये सुना है नानी कहानी रही, इस वाक्य का भी कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और इस सेंटेंस में देखिए आप, यानी वाक्य कोयल गा रही है, इसका अर्थ निकल रहा है ये वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी सेंटेंस बन रहा है। नानी कहानी सुना रही है, यहाँ नानी कहानी सुना रही है, और ये वाक्य आपका पूरा हो गया, यानी इसका अर्थ निकल रहा है। इन वाक्यों में कोयल और नानी के काम के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल गाने का काम कर रही है और नानी कहानी सुनाने का काम, इसलिए ऊपर दिए गए दोनों वाक्य सार्थक है, क्योंकि ये वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस यानी वाक्य आप देख रहे हैं, इनका अर्थ निकलता है। नानी कहानी सुना रही है, ये अर्थ निकल रहे हैं, इन वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तो हम इन्हें सार्थक समूह यानी सार्थक शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात व्यक्ति या वस्तु का होना चाहिए, दूसरी बात इनके द्वारा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा है। पहली बात जो ये है कि यहाँ व्यक्ति है, यानी कोई चीज़ है जो कार्य कर रही है, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वही उसका अर्थ बनता है। दूसरी बात उनके किए जा रहे कार्य को से अर्थ निकलता है। पहली बात क्या थी बच्चों, कि कोयल यानी वस्तु या व्यक्ति का होना। यहाँ पे भी आप वस्तु या व्यक्ति नानी है, और यहाँ वस्तु और व्यक्ति क्या हैं, कोयल। उनका कार्य क्या है, कहानी। दूसरी बात जो हमारी है वो क्या है, कि नानी कहानी सुना रही है और कोयल गा रही है। वाक्य के अंग, प्रत्येक वाक्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पीछे दिए गए दोनों वाक्यों में कोयल और नानी उद्देश्य हैं तथा गा रही और कहानी सुना रही विधेय है। आपने जैसे पीछे पिक्चर्स में देखा, फोटो जो बनी थी उसमें कोयल क्या था, हमारा उद्देश्य, और नानी क्या थी, उद्देश्य, और कोयल का कार्य क्या था, गा रही है, और नानी का कार्य क्या था, कहानी सुना रही हैं। आइए कुछ और वाक्य पढ़ें। माँ सब्जी काट रही, माँ क्या कर रही है, सब्जी काट रही है। माँ उद्देश्य है और सब्जी हमारा विधेय है, जो सेंटेंस को यानी वाक्य को कंप्लीट करता है। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, बच्चे हमारा उद्देश्य हो गए, और नहाना यानी उनका उद्देश्य क्या है, वो नहा रहे हैं। बच्चों यहाँ हिरन दौड़ रहा है, तो हिरन क्या है, उद्देश्य, और उसका कार्य क्या है, विधेय। हिरन दौड़ रहा है, हिरन उद्देश्य है और दौड़ रहा विधेय है। आसमान में रंगीन पतंगे उड़ रही हैं, बच्चों आसमान में क्या है, उद्देश्य, पतंगे। उद्देश्य जो है वो पतंगे हैं, और वे क्या कर रही हैं,
उड़ रही हैं। सार्थ शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके बच्चों, बाय। बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर हमने बुक से लेकर बनाए हैं, तो आइए हम एक बार इसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वाक्य कितने अंग होते हैं? उनके नाम लिखिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, उद्देश्य किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाक्य बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति या वस्तु का होना, और दूसरा है व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए जा रहे काम के बारे में कुछ बताना। तो बच्चों हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों। बच्चों, अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उद्देश्य और विधेय के बारे में, तो आइए हम बुक एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। ये हमारे कुछ शब्द हैं जो उद्देश्य शब्द हैं, हमें इन्हें फिल करना है। यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे बॉक्स में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे कुछ उद्देश्य शब्द हैं जिन्हें हमें यहाँ फिल करने हैं। हमारा पहला वाक्य है, डैश भारत का पहरेदार है। तुम्हारा पहला उद्देश्य क्या हो गया? हिमालय भारत का पहरेदार है। खा, डैश खेती करता है। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? किसान खेती करता है। गा, शेर जंगल का राजा है। तो बच्चों, शेर हमारा उद्देश्य हो गया। घ, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है, यानी मोर उद्देश्य हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे मोर लिख लिया। अब ड़, विद्यालय में हरे भरे वृक्ष और रंगीन फूल हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? विद्यालय में। च, सीता राम की पत्नी थी। तो ये उद्देश्य हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। का, जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। तो उद्देश्य हमारा गर्मी और विधेय है, जून के महीने में पड़ती है। सांप बहुत जहरीला होता है। उद्देश्य हमारा सांप बहुत जहरीला होता है, ये विधेय हो गया। ग, भिखारी ने फटे कपड़े पहने हैं। भिखारी उद्देश्य और फटे कपड़े पहने हैं, विधेय हो गया। इसी तरह से आगे भी हम ऐसे ही बनाते चलेंगे। आम फलों का राजा है, उद्देश्य आम और फलों का राजा है, विधेय। ड़, हम कल सर्कस देखने गए थे। उद्देश्य हमारा हम और विधेय कल सर्कस देखने गए थे। चा, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो लोमड़ी उद्देश्य हो गया और विधेय एक चालाक जानवर है। बच्चा रो रहा है। बच्चा उद्देश्य हो गया और रो रहा है, विधेय हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हमारे यहाँ शब्द जो हैं, परिश्रम, खुशबू, क्रिकेट, धोबी और मिठाई है। तो हम इससे परिश्रम से पहला वाक्य बनाते हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है। और दूसरा शब्द क्या है? गुलाब, खुशबू। सॉरी बच्चों, ये खुशबू है। तो यहाँ पे हमने गुलाब की खुशबू मनमोहक होती है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में बहुत प्रसिद्धि पाई है। तीसरा शब्द जो था हमारा क्रिकेट था। अब धोबी कपड़े लेकर आया है। फोर्थ हो गया धोबी। अबड़ा यानी लास्ट हमारा वाक्य रह गया। राघव को मिठाई बहुत पसंद है। तो मिठाई हमने यहाँ पे ले लिया और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों, थैंक यू।